सो हे फ्रेंड्स, ट्विन टैग 1 मिलियन स्पेशल Q&A इज नाउ लाइव। बहुत वेट किया था ना फ्रेंड्स आप लोगों ने, तो चलो अब करते हैं बहुत सारी मस्ती। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रियल नेम? तो मेरा रियल नेम ही आयशा है, जो कि मेरे चैनल का नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो क्या बताऊं गाइस, चाइल्डहुड से लेके हमेशा के लिए मेरी एक ही फ्रेंड है, मेरी ट्विन सिस्टर ज़ैनब। अरे हजार से नहीं करता मैं यारी, एक यार है जो है सब पे भारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि फैशन टैग कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फैशन टैग मेरी एल्डर सिस्टर है, बट वो मेरे साथ नहीं रहती बिकॉज वो मैरिड है, तो अपने इन-लॉज में रहती है, लेकिन वो मेरी एल्डर सिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपनी स्टेशनरीज कैसे परचेस करती हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो मेरी यूट्यूब की इनकम है, मैं उसी से अपनी स्टेशनरीज परचेस करती हूँ। नेक्स्ट, बहुत सारा क्वेश्चन आशीष की तरफ से, फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, फेवरेट कलर ब्लू, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुंबई इंडिया, एंड हु केप्ट योर नेम? आयशा, सो माय ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कौन सी एज पे चैनल स्टार्ट की थी? सो 20 इयर्स पे स्टार्ट की थी, अभी मैं 23 इयर्स की हूँ, यानी 3 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट, आपके घर पे कौन कौन है? तो मम्मी पापा है, भाई बहन है, ट्विन सिस्टर है, एंड मैं हूँ, दैट्स इट। हु इज बी क्रिएटिव चैनल? तो बी क्रिएटिव चैनल भी मेरी रियल एल्डर सिस्टर है, वो भी अपने इन-लॉज में रहती है बिकॉज वो भी मैरिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बॉयफ्रेंड? बहुत क्वेश्चंस थे इस पे, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं तो कभी भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं स्कूल्स में भी देखती थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह उन सबके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मुझे पता था अगर मैं ये सब चीज़ों में पढ़ूंगी तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। एंड गाइज, बचपन से ही मुझे एक टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना था, इसीलिए गाइज मैं पार्टीज, हैंग आउट्स, चिट चैटिंग, बॉयफ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थी। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट ही मेरी लाइफ थी, आर्ट एंड क्राफ्ट ही मेरे लिए सब कुछ था। नेक्स्ट, इन फ्यूचर यू विल कंटिन्यू यूट्यूब विद क्राफ्ट वीडियोस? तो देखो, मैं भी तो अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे फुल सपोर्ट कर रहे, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर पार्टनर ने सपोर्ट किया तो वेल एंड गुड, एंड नहीं किया तो मैं उनकी आईडी मेंशन करूंगी, आप लोग अच्छे से खबर ले लेना। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू मैरिड? तो अभी तो मैं सिंगल हूँ गाइज, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ही जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इन वन चैनल की तरफ से, कि व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड? तो मैं क्या बताऊँ, अभी देखो कब होती गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने सवाल किया कि मेरी मंथली इनकम क्या है। बट गाइज, मंथली इनकम ना डायरेक्टली यूट्यूब पर बताना यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यूट्यूब इनकम नहीं बता सकती। गाइज मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी मंथली इनकम इतनी है कि मैं KTM ड्यूक खरीद सकती हूँ, परचेस कर सकती हूँ, पर मुझे चलाने नहीं आती ना, इसलिए मैं नहीं खरीदी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड? मींस इंस्टेड ऑफ क्राफ्टिंग, व्हाट अदर थिंग्स डू यू डू? सो फ्रेंड्स, अदर थिंग मैं स्केटिंग करती हूँ, स्टडीज करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, बहुत सारा कुछ करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल समथिंग डेंजरस हैपेंड टू यू? बहुत बुरा हुआ था गाइज, एक बार मेरे साथ जब मैं एग्जाम देने जा रही थी, मैं बाइक से गिर गई, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था गाइज, ट्रक से टक्कर हो गई थी, बहुत बुरा था मतलब वो टाइम मेरे लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं सेफ थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर हस्बैंड नेम? तो मैं क्या बताऊँ गाइज, फ्यूचर का किसको पता होता है, पर अगर फ्यूचर हस्बैंड देख रहा होगा वीडियो तो खुद ही कमेंट कर देगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ योर ड्रीम प्लेस? तो मेरी ड्रीम प्लेस है दुबई, मैं चाहती हूँ मैं दुबई में जाऊँ, वहीं सेट हो जाऊँ, वहीं से क्राफ्ट की वीडियो बनाऊँ और मस्त शॉपिंग करूँ। नेक्स्ट है, फेवरेट कलर ब्लू, कोरियन लैंग्वेज मुझे नहीं आती, और कितनी लैंग्वेज आती? 5 लैंग्वेज आती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी, आप बताओ कि आपका रीज़न क्या था यूट्यूब चैनल शुरू करने का? तो ठीक है, मैं इस पर पूरी स्टोरी बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि मैंने एक बार जैसे एक वीडियो शूट किया, एंड जो मेरी व्हाट्सअप पर ग्रुप रहती ना, तो मैंने उस पर पोस्ट कर दिया, तो बहुत सारी मेरी जो सिस्टर है वो लोग ने कमेंट किया कि बहुत अच्छा बनाया, पर एक सिस्टर ने कहा कि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर तुम क्यों नहीं अपलोड कर देती? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि वेट, मैं अपलोड करती हूँ। उनकी अपनी एक आईडी थी, नॉर्मल आईडी थी, कुछ चैनल नहीं था, तो उन्होंने अपलोड कर दिया। वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि यार यूट्यूब पर भी कुछ कर सकते हैं, तो वहां से मैंने YouTube पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं थी कि यहां से कुछ अर्निंग होती है और मैं कहां तक जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता था, बस जो थोड़ी मोड़ी ऑडियंस मुझे देख रही थी ना, मैं उसी में खुश थी। आज कितने लोग बोलते हैं ना हमारी व्यूज नहीं आ रही है, जब मैं उनको पूछती हूँ कि कितनी व्यूज आ रही, तो उन्होंने कहा 10, 15, 20, तो मैं बोलती यार आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती, मेरे लिए एक व्यूज भी बहुत मायने रखती थी, मतलब एक बंदे ने भी मेरी वीडियो देख ली तो मेरी खुशी बस उसी में थी। मतलब एक टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियोस कैसे अपलोड करते, एंड आज मुझे यूट्यूब के बारे में सब कुछ पता है। तो ये थी मेरी स्टोरी, होप कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट। दी, आप फजर की नमाज पढ़ते हैं? यस, मैं पूरी 5 टाइम्स की नमाज पढ़ती हूँ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अब तक का यूट्यूब सफर कैसा रहा? अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताइए। सो गाइज, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरा सफर कैसा था यूट्यूब का, इतना स्ट्रगलिंग फेस था, ये 3 साल मैंने इतनी मेहनत की यूट्यूब, मतलब मेरी फैमिली सब घूमने जाते थे, मैं नहीं जाती थी, सब लोग वेडिंग में जाते थे, इधर जाते थे, मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं अपना उतना टाइम सेव करके क्राफ्टिंग करती थी। मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब ऑफ कैमरा भी इतनी प्रैक्टिस की है,
मैंने क्राफ्टिंग की बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे साथ वाले सब सीरियल्स देखते थे, मैं कभी सीरियल नहीं देखती थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, गेम्स नहीं खेलती थी, मेरे जो फ्रेंड्स थे सर्कल थे उन लोग में सब बहुत गेम्स खेलते थे, सीरियल्स देखते थे, मैं कभी ये सब चीज़ नहीं देखती। जो मेरे पास टाइम बचता ना स्टडीज़ के अलावा, मैं बस क्राफ्टिंग करती थी। बहुत मैंने मेहनत की यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा। एंड गाइज, मैंने कभी भी कोई एडिटर हायर नहीं किया, मैंने एडिटिंग से लेकर क्राफ्टिंग से लेकर वीडियो शूट करने से लेकर आइडिया सब कुछ मेरा अपना मेहनत रहती थी, कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो बस बहुत थोड़ी सी जर्नी मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सो गाइज, नेक्स्ट बहुत कमेंट थे फेस रिवील, मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्यों मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रही हूँ। तो देखो गाइज, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, ऑलमोस्ट सारे ही यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि वो 1 मिलियन के करीब करीब फेस रिवील कर देते हैं, या फिर गाइज जैसे ही 1 मिलियन उनका टच होता है, कंप्लीट होता है, वैसे ही वो फेस रिवील करते हैं। पर मेरे चैनल पे हर चीज़ आपने देखा होगा बहुत यूनिक होती है, वीडियोस भी बहुत यूनिक, जैसे कि 1000 स्टिकर्स बनाना, 2000 स्टिकर्स बनाना, ये कहीं आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ मेरे चैनल्स पर ही यूनिक आइडिया, हर चीज़ मैं बहुत यूनिक बनाती हूँ। एंड गाइज, मेरे ऑडियंस को भी ना बहुत यूनिक चीज़ें पसंद है, वो लोग खुद बोलते हैं कि आयशा तुम कभी किसी का कॉपी करके मत बनाना, हमेशा अपनी ओरिजिनल आइडिया बनाओ, भले वो हमको अच्छी ना लगे लेकिन वो यूनिक रहेगी बस। मतलब मेरी ऑडियंस को भी यूनिकनेस पसंद है एंड मुझे भी। तो मेरा इसके पीछे क्या रीज़न है ना कि मेरी एक फ्रेंड्स लोग के साथ बैठ लगी हुई है कि सब बोलते हैं कि फेस रिवील करने के बाद ही चैनल 10 मिलियन तक पहुँच सकता है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे सिर्फ क्राफ्ट के दम पर आयशा 10 मिलियन क्रॉस करेगी। तो होप कि मेरी ऑडियंस मुझे इस चैलेंज में, इस मिशन में सपोर्ट करेंगे एंड हम बिना फेस रिवील के सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट पर हम 10 मिलियन करेंगे। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की जो लेवल है उसको लो करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ क्राफ्ट के दम पे हमारा चैनल 10 मिलियन क्रॉस कर जाए। एंड दूसरा रीज़न गाइस कि फेस रिवील करके मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती। देखो फेस रिवील करने के बाद फिर मुझे ये सब भी सोचना पड़ेगा, मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ तो मैं ड्रेसअप करूँ, ये करूँ, ऐसे सिर्फ और सिर्फ मेरा माइंड बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको बताया मेरे कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ना मैं कोई सीरियल देखती हूँ, ना मैं कोई गेम्स खेलती हूँ, मतलब मेरा माइंड सिर्फ फ्री है बस क्राफ्टिंग के लिए। इसीलिए जो आप इतनी क्रिएटिव आइडियाज़ देख पाते हो ना, बस यही रीज़न है कि मेरा माइंड बिल्कुल फ्री है। तो फेस रिवील करके फिर मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। गाइज, मैं चाहती हूँ कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट को एक अलग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ और इंडिया के हर एक बच्चे जिसके अंदर एक हिडन आर्टिस्ट छुपा हुआ है सबको बाहर निकालूँ एंड बहुत सारे बच्चों को मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मोटिवेट करूँ, ये मेरा एम और मिशन है। एंड गाइज, मुझे पता है हमेशा की तरह मेरी ऑडियंस मुझे बहुत सपोर्ट करेगी, सब बोलते हैं आयशा तुम्हारी ऑडियंस बहुत सपोर्टिव है, बहुत लॉयल है। यस गाइज, हम हमेशा एक साथ रहेंगे एंड ऐसी वीडियोज़ देखते रहेंगे, इन्जॉय करते रहेंगे। होप कि आज का क्यों आपको पसंद आया होगा। लव यू माई डियर सब्सक्राइबर्स, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।